हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक डेरिवेशन देखेंगे, डिराइव द इक्वेशन डी ए अपन ए इक्वल्स टू डी बी अपन वी इंटू एम स्क्वायर माइनस वन, वेयर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डक्ट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ गैस थ्रू डक्ट, और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन एरिया प्रेशर वेलोसिटी एंड मैक नंबर। यहाँ पर एम इज मैक नंबर, एम मैक नंबर है। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, जिसका एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे। इसमें पी प्लस डी पी, टी प्लस डी टी एंड जो यहाँ से वेलोसिटी फ्लो हो रहा है वी प्लस डी वी, रो प्लस डी रो, ये सब वेलोसिटी प्रेशर और इसका एरिया टेम्परेचर और टेम्परेचर है। इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है, फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, जो कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है, फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम एज शो इन फिगर, स्टेग्नेशन एंथैल्पी एंड स्टेग्नेशन वॉल्यूम डू नॉट चेंज इन एडियाबेटिक फ्लो, फ्लो वॉल्यूम डू नॉट चेंज एडियाबेटिक फ्लो। नाउ वी कैन राइट एडियाबेटिक स्टेग्नेशन एंथैल्पी। एडियाबेटिक स्टेग्नेशन एंथैल्पी को हम लिख सकते हैं एच नॉट इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर अपन टू। इसलिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो एच नॉट कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, एच इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एच इक्वल्स टू माइनस वी डी वी, वी स्क्वायर बाई टू को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस वी डी वी। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। फ्रॉम द प्रॉपर्टी रिलेशन वी कैन राइट प्रॉपर्टी रिलेशन टी डी एस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं टी डी एस इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या कि टी डी एस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है। तो जब हम डी एच को इस तरफ लाएंगे माइनस डी एच हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी एच इक्वल्स टू वी डी पी बचेगा, और v इक्वल्स टू वन अपन रो होता है, इसलिए डी पी अपन वन डी पी अपन रो हो जाएगा, इक्वेशन टू हो जाएगा ये। अब जबकि इक्वेशन टू ये हो जाएगा हमारे पास, तो फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन टू, जो यहाँ पर इक्वेशन वन इक्वेशन टू आया है पीछे साइड, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन वन में क्या है, डी एच इक्वल्स टू माइनस वी डी वी, और डी एच इक्वल्स टू वी डी पी इक्वल्स टू डी पी अपन रो, तो यहाँ पर डी एच डी एच और डी पी अपन रो इक्वल्स टू माइनस वी डी वी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ हुआ है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू से डी पी अपन रो इक्वल्स टू माइनस वी डी वी हो गया। तो फिर ये सिर्फ डी पी रखेंगे, रो का वैल्यू रो इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो डी पी इक्वल्स टू माइनस वी रो डी वी हो जाएगा। इक्वेशन थ्री मान लेंगे। नाउ द कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, क्यू क्यू नॉट इक्वल्स टू रो ए वी, इक्वेशन फोर मान लेंगे। अब इस इक्वेशन फोर को बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे इक्वेशन फोर को, तो दोनों साइड लॉग लगेगा, लॉग क्यू और लॉग रो ए भी। लॉग क्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्यू कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लॉग ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू सी जब होगा, तो लॉग रो प्लस लॉग ए प्लस लॉग वी हो जाएगा। अब जब इसको लॉग में तोड़ेंगे तो वन अपन रो डी रो प्लस वन अपन ए डी ए प्लस वन अपन वी डी वी हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, डी रो इक्वल्स डी ए डी रो अपन रो प्लस डी ए अपन ए प्लस डी वी अपन वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब हम डी ए को इस तरफ रखते हैं और दोनों को इसको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस डी वी अपन वी माइनस डी रो अपन रो हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी फ्रॉम इक्वेशन थ्री, जब इक्वेशन थ्री में हम जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थ्री यहाँ जाते हैं और यहाँ पर डी वी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी वी इक्वल्स टू डी पी माइनस, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा माइन, और ये वी इंटू रो नीचे आ जाएगा, तो डी वी इक्वल्स टू डी पी अपन माइनस डी पी अपन वी रो हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और डी अपन ए इक्वल्स टू यहाँ पर वी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो डी वी अपन वी, तो नहीं सिर्फ डी वी, सिर्फ डी वी का वैल्यू पुट करें तो वी तो ऑलरेडी रहेगा, तो हमारे पास डी पी अपन रो भी आएगा और वी यहाँ पर भी है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जब यहाँ डी पी अपन रो भी और यहाँ पर भी पहले से, तो वी स्क्वायर,
और जो यहाँ माइनस है और जो हमारा इक्वेशन थ्री में से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस रो अपन माइनस डी रो अपन रो है तो माइनस डी रो अपन रो लिख देंगे फाइनल सेम। अब इसमें से क्या है, डी पी अपन रो भी स्क्वायर को हम कॉमन बाहर लेंगे तो वन बचेगा माइनस, तो ये यहाँ पे डी रो तो है पहले से और वी स्क्वायर नीचे से बाहर आया है जो कि नहीं है, इसलिए ऊपर हम वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और नीचे से ऊपर से डी पी हम बाहर किए हैं तो इधर से नीचे डी पी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से वन माइनस डी रो इंटू वी स्क्वायर अपन डी पी हो जाएगा। अब क्या होता है कि वन तो सब सेम है, डी रो अपन डी पी, ये डी रो अपन डी पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ ए डी पी अपन रो वी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर कहाँ से आया, सिंस हम जानते हैं ए इक्वल्स टू अंडर रूट रो वी अपन डी पी होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा रो डी रो अपन डी पी। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये वन अपन ए स्क्वायर हो जाएगा, वन अपन ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी पी अपन डी रो, वही चीज़ यहाँ वन अपन ए स्क्वायर लिख दिए हैं। अब आगे फिर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी ए इक्वल्स टू ये तो हमें मिल गया डी पी अपन रो वी स्क्वायर इंटू वन माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं मैक नंबर एम इक्वल्स टू वी अपन ए होता है, तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो मैक नंबर पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी ए अपन ए इक्वल्स टू डी पी अपन रो वी स्क्वायर इंटू वन माइनस मैक नंबर मैक एम स्क्वायर। अब एंड ऑल्सो वी कैन राइट दिस डी ए अपन डी वी अपन वी इंटू एम स्क्वायर माइनस वन। अब ये कैसे लिखे, हम एम को इधर कर दिए वन को इधर किया और यहाँ डी पी अपन रो वी को डी वी अपन वी लिख दिए। इसके लिए यहाँ पे है फ्रॉम इक्वेशन थ्री में हम जाते हैं तो हमारे पास है डी पी इक्वल्स टू माइनस रो वी डी वी, और डी वी निकालते हैं तो माइनस डी पी अपन रो वी, और इस तरह डी वी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस डी पी अपन रो वी स्क्वायर हो जाता है। यह गलती हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ वी होगा, यहाँ पे एक वी रखेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी एक वी है और एक वी से मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा। डी वी अपन वी इक्वल्स माइनस डी पी अपन रो वी स्क्वायर, इस तरह से हमारा डी वी अपन, तो यहाँ पर हमारे पास है डी पी अपन रो वी स्क्वायर डी पी अपन रो वी स्क्वायर, तो डी वी हो गया। अब ये रहा माइनस का मसला, तो जब यहाँ माइनस आएगा तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से वन इस तरफ वन में माइनस लगेगा और मैक नंबर में प्लस लगेगा, तो उसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर देंगे, फाइनली हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसको कहते हैं दिस इज़ नोन एज वन डायमेंशनल स्टडी आइसेंट्रोपिक फ्लो इक्वेशन।